बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी एटेन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं और आज सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 39 और 9 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और आज की डेली से रिफॉर टू की हमारी लीड स्टोरी, एक वार्निंग जारी की गई है जी। वेदर फोरकास्टिंग में 20% ज्यादा बारिशें होंगी, लाहौर डूबने से बचाने के लिए वासा कंट्रोल रूम कायम। दूसरी टॉप स्टोरी, 20% अखराजात करने वाले महकमों को नए माली साल में 50% जायद बजट मिलेगा। HSN में 130 साल बाद निसाब और इम्तिहानी निजाम बदलने का फैसला। और जिनाह अस्पताल में PCR टेस्ट की सहूलत खत्म, मरीज ख्वार हो गए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ R2 के सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जाहिद चौधरी और रिजवान नकवी। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, और खुश आमदीद कहेंगे। जाहिद साहब, आपसे बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेदर फोरकास्टिंग की गई है और 20% से ज़ायद बारिशें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, जिसका मतलब है कि फ्लड जो है वो भी 20% बढ़ जाएगा जैसा अमूमन आता है। तो अब उसके हवाले से वासा कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। हमेशा मूनसून प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन हम आप भी यहाँ पर होते हैं, हम भी यहाँ पर होते हैं और हम देखते हैं कि लाहौर जो है वो डूब जाता है, खासतौर पर लक्ष्मी का इलाका। अंदरून साइड पर आप चले जाएँ, समनाबाद की बात कर लें, इस दफ़ा लास्ट ईयर की अगर बात करें तो पोश इलाके भी डूब गए। सो अगर आप 20% ज़्यादा होंगी तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए, उसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। पहली बात तो ये कि ये 20% ज़्यादा बारिशें होंगी या मामूल के मुताबिक बारिशें होंगी, इशू ये नहीं है। और इशू ये भी नहीं है कि वासा कंट्रोल रूम कायम हुआ नहीं हुआ। वासा इज़ वेरी विजिलेंट के जी, उन्होंने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया, उसमें उन्होंने अपना पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा फील्ड के साथ मुवासलाती एक रबता जो है वो उन्होंने जो है वो बिला तातल उसको इंश्योर कर लिया कि जहाँ पे भी जो भी सूरत हाल होगी फौरी तौर पे कंट्रोल रूम को पता चलेगा, कंट्रोल रूम जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा होगा, मॉनिटर भी कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त। इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर। हो ये रहा है कि गुज़श्ता कोई एक दिहाई से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का, सीवरेज का जो निज़ाम है, वो बदतरीन डिटेरियोरेशन का शिकार है और उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब मैं आपको उसकी मोटी मोटी जो है वो चंद एक मिसालें दे देता हूँ। आपने कहा ये पॉश एरियाज क्यों डूबते हैं, देखें शहर से जो है वो गुजरती हैं, जिनको हम जो है वो ये रेनी ड्रेन्स कहते हैं, ये जो है वो सारी की सारी बरसाती नाले हैं शहर के अंदर जी। जिसमें जो है वो ये मियां मीर जो कैंट ड्रेन है, उसके बाद जो है वो आपकी सेंट्रल ड्रेन है, आपकी सिटी ड्रेन है, ये सारी ड्रेन्स आपकी जो है वो जो है वो शहर के अंदर से गुजर रही हैं और ये नेचुरली शहर के तकरीबन हर एरिए में इनको ये अप्रोच करती हैं। इन ड्रेन्स का काम है कि आपका जो जितना भी बारिश का पानी है उनके ज़रिए फास्ट फ्लो के साथ जो है वो आपके शहर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले तो ये ड्रेन्स जो हैं वो अब गंदे नाले बन चुके हैं, इनको आपने सीवरेज में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। सेकेंडली इनमें टेम्परिंग बहुत कर रही है। अब ये ड्रेन्स जो हैं वो आपके बरसाती पानी का जो लोड है वो उठा ही नहीं सकती, ना उठा रही हैं। अब उसकी एक छोटी सी मिसाल है, ये जो हमारे जो है वो इस शादवान के एरिया से जो गुजर रही है कैंट ड्रेन, इस कैंट ड्रेन को आप देखेंगे कई जगह के ऊपर जो है वो इसमें टैम्परिंग हो गई है, नंबर वन। नंबर टू, फिरोजपुर रोड के ऊपर जब से मेट्रो बस जो है वो चली है उसके बाद सड़क का जो नीचे सीवरेज का निज़ाम है वो तहोबाला हो चुका है, वहाँ पे पुल बनने के बाद और किसी ने दोबारा रिपेयर नहीं किया। स्टेट ऑफ द आर्ट अंडरग्राउंड स्टेशन भी बनाए हैं, किसी ने दोबारा रिपेयर नहीं किया। मैं वो अर्ज करने लगा हूँ, पानी खड़ा हो जाता है। ये तो आप 20% कह रहे हैं ना कि बारिश, ये महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है कि 20% जो है वो बारिशें ज्यादा होंगी। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपका मुल्तान रोड का जो सेंटर में नारा चलता है वो कहाँ गया? सारी मुल्तान रोड आपकी जो है वो ऑरेंज लाइन में उखाड़ी हुई है, उसके बाद आपकी मेट्रोड रोड है, उसके बाद आपका जो है वो GT रोड है। ये शहर के तमाम वो इलाके हैं, इस मरतबा तो सो मच सो लक्ष्मी में
जहाँ सबसे बड़ा हमेशा जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन रही है वो वासा के लिए, दर्द सर रहा उन बेचारों और के लिए। इस दफा तो मुझे लगता है कि उनको उस वहां पर मेरे ख्याल सर में, आप कहते हैं तो इस दफा अगर उस टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा क्योंकि वहां पे खुदाई हुई हुई है और वो सारा मैं का सारा पानी से भर जाएगा। चीज जरूर एड ऑन करूंगा कि देखें अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वासा अपना जितना काम जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही शायद करता होगा, लेकिन खुदा रहा पानी के जो है वो जहाँ पानी जमा हो जाता है, जब पानी खड़ा हो जाता है तो वहाँ पे 2 फुट पानी में खड़े होके तो तस्वीर उतरवा के जो है वो लोगों को अफसरान को मुअत्तल करने की बजाय आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पे अगर तवज्जो दे लें, वो आज तक नहीं दी, दहाइयाँ गुजर गई। सिर्फ और सिर्फ ये होना है कि जी जब पानी खड़ा होगा कहीं पर बारिश का और वो निकास नहीं होगा तो ये होगा कि जो हुक्मरान हैं वो आएंगे और वहाँ पे खड़े होंगे, जनाब इसको मुअत्तल कर दें, इसको हथकड़ी लगा दें, इसको ये कर दें, व्हाट इज दिस। ये तो अब पुराने हो गए ये स्टाइल, अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हर बंदे को पता है कि आपके शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका सीवरेज का निज़ाम है वो तबाह कर दिया हुआ है, आपने अपनी जो है वो उखाड़ पिछाड़ के जरिए उसको आपने मरम्मत नहीं किया तो वो क्या करेंगे वहाँ कहाँ से पानी। अच्छा रिजवान साहब, आप इस पर क्या करेंगे? ये भी है कि मानसून से, ये तो चले मानसून की बात है जो इन्होंने कबल इस वक्त जो पेशन गोई की है महकमा मौसमियात ने कि 10 या 20% ज़ायद बारिशें होंगी। इससे पहले आप देखें तो अभी भी शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी खड़ा है, गटरों का पानी वहां पे खड़ा है, लेकिन वहां पे कोई लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरह टाउनशिप में ऐसे कई इलाके हैं, ग्रीन टाउन के इलाके हैं, टाउनशिप में डिविजनल पब्लिक स्कूल के सामने जो गली है उसमें जो है वो हर वक्त पानी खड़ा रहता है, लेकिन अहले इलाका कहते हैं कि जी कई मरतबा एहतजाज भी कर चुके हैं कि वासा की जानिब से जो है वो सुनवाई नहीं होती, वो कॉल्स भी करते हैं हेल्पलाइंस पे लेकिन कोई भी जाके वहाँ पे निकास का इंतज़ाम नहीं करता। फिर उससे हट के शादरा के इलाके हैं ऐसे जहाँ पे गटरों का पानी खड़ा रहता है। तो आप मानसून से कबल क्या कर रहे हैं? उससे कबल भी तो लाहौर के कई इलाके हैं जो कि डूबे हुए हैं, जहाँ के शहरी जो हैं वो गुजर नहीं सकते। मतलब नॉर्मल मौसम में अगर सीवरेज का ये हाल है और अगर मॉनसून 20% ज्यादा होती है, अगर वेदर फोरकास्टिंग देखी जाए तो फिर तो बिल्कुल कड़ा इम्तिहान होगा। अभी देखें कि बेशतर इलाकों में पानी नहीं आ रहा, कई कई इलाकों में 10-10, 20-20 घंटे, और बाज ऐसे भी इलाके हैं, चंद दिन पहले हमजा शहबाज शरीफ की रिहायशगाह के सामने जो है वो लियाकताबाद एक इलाका है, रमजान सदीक भट्टी एमपी हैं वहाँ से, तो उनके इलाके के मकीनों ने ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज किया और 2-3 घंटे वहाँ पे धरना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में 3 माह से गंदा पानी आ रहा है घर में, तो उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा मुगलपुरा के इलाके में एक लड़की की डेथ हुई है, उसमें उन्होंने जो काज ऑफ डेथ लिखा था डॉक्टर्स ने वो यही था कि गंदा पानी पीने से उसकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद वो जो है वो बिल्कुल सही पानी आप साफ दे नहीं सकते, सीवरेज का इंतजाम आप बेहतर कर नहीं सकते। एरिया का मसला है ना जी कि आपको साफ पानी नहीं मिलना, नहीं मिलेगा। और ये हमारे हुक्मरानों का भी जो है ना वो आपके साथ वादा है कि उन्होंने ये साफ पानी आपको देना भी नहीं है, ये आप ज़हन में रखें और खातर जमा रखें। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ आटे के लिए लाइनें लगवाई गई, यहाँ पे जो है वो घी के कनस्तर देने के लिए जो है वो लाइनें लगवाई जाती हैं, के पानी का लोड, पानी की लोड शेडिंग होगी और फिर आपको खरीदना पड़ेगा। 2-2 किलो चीनी आप जो है ना वो जब महंगी होती है तो वो लाइन में लगा के जो है वो इंसानियत की तस्दील करके बेचते हैं और 7 तस्वीरें उतरवाते हैं और उस शॉपर के ऊपर अपनी तस्वीर बनवाते हैं। उसी तरह ये जो साफ पानी है ये हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के वहाँ पे लाइनों में लगा के इंसानों को जलील करेंगे, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। अभी भी यही हो रहा है, अभी भी जो सो कॉल्ड इनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, प्लांट पे जाएं जैसा वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, इंसानी अलमी है ये, मेरे ख्याल में ये इंसानी अलमी है। और उसके ऊपर आप बैनर्स देखें तो ये सियासी बैनर्स लगाए हैं कि हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। मैं करने लगा हूं कि ना हम जो है वो किसी जो है वो इथियोपिया में रहते हैं, ना सोमालिया में रहते हैं, ना युगंडा में रहते हैं, हम किसी दुनिया के कैद ज्यादा मुल्क में नहीं रहते। ये लेकिन हालात हमारे पंजाब का दारुल खिलाफा है और यहाँ पे लोग पानी के लिए, इनको इन हुक्मरानों को तो ये भी नहीं पता होगा कि लोग बेचारे जो है वो किन मुसीबतों के साथ इनके वाटर फिल्ट्रेशन तक पहुंचते हैं और वहां से फिर पानी किस तरह लेके आते हैं, कभी वो सीन तो मुलाहिजा करें। लेकिन हराम है वाटर फिल्ट्रेशन की बजाय जो असल मसला है वो है वाटर सप्लाई लाइनें चेंज करना, उसके ऊपर कभी तवज्जो दी हो, किसी ने कोई प्लानिंग की हो, आज तक किसी को ये ख्याल आया हो किसी हुक्मरान को कि हम यही क्लेम कर लें? इतने बड़े बड़े दावे हम जो करते हैं कि हमने बसें चला दी, हमने ट्रेनें चला दी, हम ट्रांसपोर्टर जो बने हुए हैं, सरकार तो सारी ट्रांसपोर्ट पे लगी हुई है ना, इसकी बजाय यही सरकार जो है वो ये क्लेम अगर करे कि इस शहर लाहौर में हमने एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जो वाटर सप्लाई लाइन हमने बिछाई है,
हमने जनाब इंश्योर कर दिया शहर में जिस घर में जहाँ पे भी कनेक्शन होगा पानी का वो साफ पानी है। आप पानी का वहां से सैंपल ले दुनिया में कई जगह करवा रहे हैं, लेकिन पोलिंग डे पे कैश नहीं किया जा सकता। और हुक्मरानों के काम होते हैं ये, जिन्होंने कौमों को सर्व करना होता है ना उनकी हरकतें उनके इकदाम होते हैं ये हरकतें नहीं होती उनकी के ढुकढुकी की बजाई यहाँ पे तमाशा लगाया और उसके बाद जो है वो इसी तमाशे के साथ 5 साल पूरे कर दिए। बड़ी लेविश किस्म की प्लानिंग करते हैं लेकिन नतीजे क्या होते हैं हर साल हम देखते हैं। किसी के तन पे कपड़ा ना हो तो आप उसके सर पे ताज सजाने चले जाएं, तो पहले लोगों की जरूरियात तो पूरी करें। पहले उनके घरों में तो पानी नहीं आ रहा, उनके बाज इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे गंदा पानी भी नहीं आ रहा, तो लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं और आप उनके सर पे ताज सजाने की बात। पानी नहीं आ रहा करना क्या, गंदे पानी को साफ भी नहीं आ रहा, साफ तो आएगा ही नहीं ना, साफ तो शहर के 90% एरियाज में नहीं आ रहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अगर राशन कार्ड कभी जो है वो पानी के लिए वाटर रेफ्रिजरेशन पे लाने वो, लेकिन जब आप इनके इजलासों की कार्रवाइयां सुनते हैं जो लंबी लंबी स्पीचेस की जाती हैं, ऐसा लगता है कि हम जन्नत में रह रहे हैं और यहाँ पर प्लानिंग जो है वो इतनी आउटस्टैंडिंग होगी कि आपको कहीं एक कतरा पानी नजर नहीं आएगा। यहाँ तो कनाल पे पानी खड़ा हो जाता है और उसको निकालने के लिए जो है मेरे ख्याल में वो जो आजकल वो जो एक वो आया हुआ है ना वो मोबाइल फोन के साथ आपको मिलता है वो 3D वो जो है वो इमेजिंग एक वो लगा दें हर शहरी को और उसमें जो है ना वो ये सारी अच्छी कहानी जो है ना उसमें फीड कर इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग के मंसूबे आ रहे हैं, इस तरह के धड़ाधड़ मंसूबे आ रहे हैं। शायद हमें उनकी ज्यादा जरूरत है, साफ पानी, सेहत, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट। जो बाकी ट्रांसपोर्ट की तो खैर सर 200 अरब रुपया लगा रहे हैं वो उस पर कर्जा लेकर। जब हम पानी की बात करते हैं ना तो बुनियादी तौर पर देखें पानी एक बिल्कुल बेमानी सी चीज लगती है ना हमें, इसमें ना प्राइस है क्योंकि हमारे पास पानी है उन मुल्कों में जहाँ पानी नहीं होता, तो एक तो हमें पानी बिल्कुल बेजरर सी बड़ी आम सी चीज़ लगती है। ये पानी अगर आप साफ देंगे तो लोग सेहतमंद होंगे, लोग सेहतमंद होंगे, तवाना होंगे, बेहतर प्रोडक्शन कर सकेंगे, तो आपका एचआर बेहतर होगा, हेल्थ आपकी आपके 60% लोड जो है ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है कि आप अगर साफ पानी देंगे तो आप 40-50% जो आपका डिजीज बर्डन है आपका स्टमक वो कम करेंगे। बिल्कुल सही है, इंटरलिंक चीजें हैं लेकिन ये बड़ी इंटेलेक्ट की चीजें हैं, इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, बस चलो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हमने पूरा सड़कें बना ली है। बिल्कुल सही, जहां पर हमें पॉलिटिकल पॉइंट्स मिले और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में हम उसको कैश कर सके, सिर्फ ये सोचा जाता है, आवाम की फलाह का नहीं सोचा जाता। नाज़रीन मजीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे, बजट से रिलेटेड अगली खबर है 20% अखराजात करने वाले महकमों को नए माली साल में 50% जायद बजट मिलेगा, क्या स्टोरी है इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर हम डिस्कस करेंगे 20% अखराजात करने वाले महकमों को नए माली साल में 50% से ज़ायद बजट मिलेगा, तवानाई और फ्लड रिलीफ के शोबों में रवा माली साल के नस्बत जो बजट है उसको कम कर दिया गया है और अखराजात की मद में 31 अरब रुपये सिर्फ मुख्तस किए गए हैं। क्या कहानी है ये जाहिर साहब की तवानाई और फ्लड रिलीफ, और अब इस दफ़ा तो वेदर फोरकास्टिंग में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि फ्लड ज़्यादा भी आ सकता है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस खबर में ना, पहली बात तो ये कि 20% अखराजात करने वाले, इसका मतलब ये है कि जिन डिपार्टमेंट्स ने अपना बजट जो है वो जो लास्ट माली साल में उनको इस बल्कि रवा माली साल में जो दिया गया था वो कम खर्च किया, उनका बजट अब बढ़ा दिया गया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो इतनी नाहल हैं बजट बनाने वाले कि उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे तो खर्च ही नहीं होता और हम जो है वो फिर यहाँ पे बजट जो है वो इसको डबल कर रहे हैं या आगे, या इसमें ये भी तो हो सकता है जाहिर साहब, हमेशा हमेशा जहाँ पर बजट खर्च नहीं होता वो फंड्स लैप्स इसलिए करते हैं, वो कहीं और इस्तेमाल होते हैं। जी दूसरी बात ये, जिन्होंने कम इस्तेमाल किया उनके लिए और बजट रख दो ताकि उसमें कटौती लगा के कहीं और इस्तेमाल, मतलब है कि यहाँ पे इस्तेमाल तो होना ही नहीं, यहाँ पे इस हेड पे रख के चीजें समझ आना शुरू हो गई। एक डीजी एंटी करप्शन गुजरे हैं, उन्होंने एक मरतबा बजट में से उनके पास बैठने के लिए चेयर्स नहीं हैं, टेबल्स नहीं हैं, अफसर उनके इतने बोसीदा माहौल में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की खुशनुदी हासिल करने के लिए बजट बचा के वापस कर दिया। गुड कि जी ये अच्छा। हमारे पैसे बच गए हैं तो आप वापस या वापस ले लें, आप किसी तो, पुल पे लगा दें, किसी सड़क पे लगा दें, क्योंकि होता तो यही है। तो ब्यूरोक्रेट्स की कमी नहीं है जो वज़ीर आला पंजाब की खुशनुदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनके अपने मुलाजमीन जो हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम होते हैं, पानी पीने के लिए दस्तयाब नहीं होता। एंटी करप्शन में आप चले जाएं तो वहाँ पे लोगों को हेपाटाइटिस हुआ,
वहाँ पे मुजरे सेहत पानी पीने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पैसे बचाए और वापस कर दिए कि जी हमें इतनी। और अब तवानाई और फ्लड रिलीफ के लिए निस्बतन कम बजट रखा गया क्योंकि वहां पे तो खर्च होना ही होना है। आप तवानाई से कट नहीं लगा सकते, इसके ऊपर दिलवाऊंगा फ्लड रिलीफ से कट नहीं लगा सकते। कल आप अखबार का ये बैक पेज देखें तो इस पे तस्वीर शाया हुई है कि वजीर अला शहबाज शरीफ मानसून सीजन से मुतालिक इजलास से खिताब कर रहे हैं। कल बड़ा हाई पावर्ड किस्म का एक इजलास तलब किया गया चीफ मिनिस्टर साहब की सरब्राही में, और उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुमकिन सैलाब से बचाव के पेशगी इंतजाम किए जाएं, गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी वो तामीर चाहिए मरम्मत चाहिए आपने जो करना है भाई आप कर लें। ठीक है, अच्छा चीफ मिनिस्टर तो इस तरह इतनी विजिलेंस का यहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खबर ये है कि जो बजट आप दे रहे हैं आइंदा माली साल के लिए उसमें आपने फ्रंट लीफ का जो पैसा है उसमें कमी कर दी है, क्योंकि वहां पे आप कटौती नहीं लगा सकते ना भाई साहब, समझने की कोशिश करें ना। बजट बन रहा है वहां पे जो है वो ये स्टेट जो है वो आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तवानाई जिसके लिए आप साल में जो है वो अगर 365 दिन है तो उसमें से 360 दिन जो है वो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है वह लोड शेडिंग खत्म हो रही है, लोड शेडिंग खत्म हो रही है, लोड शेडिंग खत्म हो, हम बिल्कुल इसको जो है वो काबू पा रहे हैं इस पर, बस 6 महीने की बात है, साल की बात है, उसमें आप तवानाई का शोभा जो है उसी ने इसके लिए इकदाम करने ना, आप पावर जनरेशन कौन करेगा, डिपार्टमेंट एनर्जी का किसने बनाया? बिल्कुल सही, और आप फर्क देखना शुरू करें तो पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए जो है तवानाई के बजट में कमी कर दी। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो पिछले माली साल में 8 अरब थे, इस दफा 13 हो गए, और PND में पिछले माली साल में 5 अरब रुपए थे और इस दफा 50 अरब। अच्छा ये PND वाली मैं कहानी आपको बता देता हूँ कि जो PND है ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है ये डिपार्टमेंट, ये कोई प्लानिंग नहीं करता ना, ये डेवलपमेंट के लिए ये सिर्फ एतराजात लगाता है मंसूबों में ताकि फंड्स लगाने पड़े। ये हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक चीजों को डाइवर्ट करता है टेक्निकली फाइलों में रिकॉर्ड में, इस डिपार्टमेंट का ये काम है ना, इसका काम प्लानिंग है ना इसका काम डेवलपमेंट है। होल्ड लगा दिया तो आप बता दें कि वो मंसूबा क्या मंजूर हो सकता है, क्या उसके फंड्स दिए जाएंगे, वो फंड्स कहां गए, कोई जवाब देने नहीं है। ये तो आपका ख्याल है ना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो जब से बना हुआ है, अगर ये डिपार्टमेंट सिर्फ 5% काम करता, मैं 95% को कह रहा हूँ कि ना करते ना हेलें जी वो तो नहीं दी छोड़ दें जी दिल नहीं किया, 5% ये महकमा अगर काम करता तो आज आपको सूबे में वो नजर आ रहा होता, इस शहर में नजर आ रहा होता। इशू ये है कि ये डिपार्टमेंट बनाया ही इसलिए गया है, 100% आपने इजाफा कर दिया। 5 अरब था पिछले साल, 5 अरब मीन के 5 अरब आपने अपनी मर्जी से कहीं भी डाइवर्ट करवा देना था यहाँ कह के एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, अब आपने उसको बढ़ा के 10 गुना उसमें इजाफा कर दिया, आपने 50 अरब कर दिया। वो बढ़ाने का मकसद ही ये है कि अब एक फोन कॉल के ऊपर आपके 50 अरब पड़े हुए हैं इस शोबे में, आप चाहें तो उसे जो है वो जमीन खोदने पर लगा दें, बस चलाने पे लगा दें, ट्रेन चलाने पे लगा दें, मौत का कुआं बनाने पे लगा दें, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें। एनर्जी के लिए लास्ट ईयर 31 अरब रुपए थे और इस दफा सिर्फ 10 अरब रुपए रखे हैं, 80 अरब रुपए ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए रख दिए ना। नहीं, वो उसकी वजह बड़ी सिंपल, आप देखें इसमें बड़ी बारीक सी ये आपको इन्फॉर्मेशन, आप इसको अगर डिटेल में जाए तो आपको समझ आती है ये 31 से 10 पे क्यों आए हैं। इसका मतलब यह है कि गैर महसूस अंदाज में बजट के अंदर जो कि आपके जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो ये है ना, इसी के ऊपर आपने सारा साल चलना है, आपने एनर्जी के जो पावर सेक्टर के जो प्रोग्राम है आपका जो आपके मंसूबे थे आपने वहां से हाथ खींच लिया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वहां से जो है वो पीछे हट गई। फिर पावर सेक्टर में जो सब पहले क्या हो रहा है, पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का अभी रिसेंटली एक केस आया जिसमें वहां के CFO ने 17 करोड़ रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियां कर दी। अब उसमें से जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया एंटी करप्शन में ये केस चला गया, उस अफसर को वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे रात के 2 बजे 27 अप्रैल की रात को अरेस्ट किया गया घर से, सीढ़ियां लगा के एंटी करप्शन वाले और पुलिस की मावनत से एंटी करप्शन का स्टाफ जो है उसके घर में उतरा, उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें चीज़ सामने आई कि उसने पावर सेक्टर के पैसे जो हैं एक पोल्ट्री सेक्टर की कंपनी के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए थे। अच्छा, जो कि चूजे का कारोबार करती है उसके अकाउंट्स में चले गए और वहां से पैसा जो है वो पंजाब की एक ताकतवर तरीन शख्सियत के अकाउंट में मुंतकिल हुआ। उसके बाद एंटी करप्शन के अफसर जो हैं उनमें दम खम नहीं रहा कि इस चीज को आगे परसू कर सके, ये तो हालात है। और रिजवान साहब आगे अगली चीज भी देखिए, वो बात है ना जिस तरह ये शादी फरमा रहे हैं
कि वो तवानाई का बजट जो है वो फिर 31 से 10 भी आना था उनका, इतने तो फड़े गए हैं, एनु रहने दो, नया कोई चैप्टर खोल लें, खोल लेते हैं बिल्कुल सही। फ्लड रिलीफ की अगर हम बात करें, ये आखिरी चीज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। लास्ट ईयर 22 अरब रुपए रखे गए थे और सैलाब से बहुत तबाही आई थी पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोशिशें की गई थी। इस साल सिर्फ 1 अरब 55 करोड़ रुपए रखे गए। क्या करेंगे? आप ये बैक साइड पे छपी हुई खबर पढ़े कि कल जो ये इजलास हुआ है इसकी कारगुजारी देख लें, इसमें किए गए ऐलानात और जो है वो इकदामात जो है वो जिसकी हिदायत की गई है वो देख लें, और दूसरी तरफ अपना बजट देख लें, आपका तर्ज अमल क्या है, हकीकत में आप क्या हैं, आपका ऐलान क्या, आप क्या कह रहे हैं, यानी आपके कॉलो फेल में इतना ज्यादा तजाद है। फेल आपका ये है कि आपने बजट उड़ा दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया है कि जैसे आप फ्लड आना ही नहीं, इसका मतलब जैसे फ्लड आना ही नहीं। हेल्थ के हालात अब क्या कहूँ आपको कि वो जो पहले में ये पिछले साल में जो गुजरे हैं, आइंदा माली साल का जो बजट है उसके जरिए बेहतरी आने के बजाय और ज्यादा डिटेरियोरेट होंगे, यही कहते हैं। और उसकी खबर भी आपने कल दी है जनाह अस्पताल में, ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं अस्पतालों में जहां पर मैं कहता हूं नॉर्मल चीज है ना उनके लिए कि जी बजट खत्म हो गया है, फंड्स खत्म हो गए हैं या किट्स खत्म हो गई हैं, टेस्ट बंद हो गया है, नहीं हो रहा, किसी की जाने बुला, कोई किसी को फिक्र नहीं है। क्योंकि आपको एक और जो मजे की बात बताऊं, आप बड़े हैरान होंगे आप लोग कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस वक्त वो इतना ज़्यादा जो है वो लातअल्लुक है इन चीज़ों के साथ कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर, जब से ये दो महकमे बने, एक तो इनका आपस में जो है ना इनकी जंगो जदल ही नहीं जा रही, इनकी हदूदबंदी की जो लड़ाई, हमारी डोमेन ये है, आपकी डोमेन में ये आता है, इनके दरमियान जो सलीबी जंगे है ना वो हो रही है। ठीक है जी, एक तो ये जंग जा रही है ना पावर के लिए, ये सारा कुछ कर रहे हैं, अंधाधुंध लड़ाइयां हो रही है इनकी जी, हर बात पे इनकी जो है ना वो बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है, ये सरफेस पे नजर नहीं आती, सामने यही कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, इससे बड़ा फायदा होगा, लोड शेयर हो गया है, हालांकि तबाही और बर्बादी हो रही है। दूसरा काम जो हुआ है वो ये कि एक डिपार्टमेंट है सेक्रेटेरिएट के अंदर, उस डिपार्टमेंट तक आम आदमी पहुंच नहीं सकता, और अल्लाह की मेहरबानी से डिपार्टमेंट के अरबाब इख्तियार कभी डिपार्टमेंट से बाहर अब आए नहीं, महीनों गुजर गए कभी हमने ना इलेक्टेड लोगों को देखा है वहाँ पे किसी अस्पताल में, और ना माशाल्लाह सेक्रेटरी साहबान जो है उनको देखा है, तो वो बाहर नहीं आए, बाहर वाले बेचारे जा नहीं सकते, एक तो वो रास्ता ही नहीं है, उनकी जाने बला टेस्ट होता है नहीं होता, और रोजाना हजार से ज्यादा टेस्ट होते थे, जो भी है कितने मरीजों का इहतसाल होगा, और ये महंगे टेस्ट हैं, कोई सस्ते टेस्ट नहीं है। इसमें ये तो है शहर इक्तदार का हाल के लाहौर है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, अस्पतालों का तख्त है, ये यहाँ पे ये सूरत हाल है अस्पतालों की। आप इमरजेंसी में चले दें, आप ओपीडीज में चले दें, इंसानियत बिलकती हुई आपको नजर आती है वहाँ पे, लोग बेचारे इलाज की सहूलियात के लिए वहाँ पे सिसक रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है चूँकि वो आपकी तरजीहात नहीं है हुकूमत की। आप देही मराकज़े सेहत की हालत देख लें, वहाँ पे डॉक्टर्स जाते नहीं हैं, या वहाँ पे जो अदवियात होती हैं एक्सपायर अदवियात जो हैं वो मरीजों को दी जा रही होती हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब ये हालात रहेंगे तो फिर आवाम किस कदर संजीदा है आवाम की फलाह के लिए हुक्मरान, तो वो तो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, और आवाम किस तरह से निगलेक्टेड की जा रही है ये भी पता लग रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, रिजवान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, नाज़रीन सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे। बचत बाजार में सबसे पहले आपको बताएंगे टेसोरो पर सेल लगी है जी, अप टू 20% तक आपको ऑफ मिलेगा, जाकर शॉपिंग करें और 20% तक ऑफ एंजॉय कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ब्रांड है हर्ष पपीज और इस पर आपको अप टू 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर नॉर्थ चिकन क्यूब्स है 20 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 224, प्रमोशनल प्राइस 179, आप 45 रुपीज बचा सकते हैं। अरबेला पास्ता है जी 500 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 115, प्रमोशनल प्राइस 99, आप 16 रुपीज बचा सकते हैं। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में।
माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है जी, कीमतें खरीद है उसकी 104.80, कीमतें फरोख्त है 105.05। पाउंड स्टर्लिंग कीमतें खरीद है 149, कीमतें फरोख्त है 149.70। यूरो की कीमतें खरीद है 118, कीमतें फरोख्त है 118.50। सऊदी रियाल कीमतें खरीद 27.80, कीमतें फरोख्त है 27.95। यूए दिरहम कीमतें खरीद 28.45, कीमतें फरोख्त है 28.60। कुवैती दिनार कीमतें खरीद 345, कीमतें फरोख्त है 347.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमतें खरीद है 77, कीमतें फरोख्त है 77.45। जैपनीज यन कीमतें खरीद 0.97, कीमतें फरोख्त है 1। और स्विस फ्रैंक सबसे आखिर में कीमतें खरीद है 107.50, कीमतें फरोख्त है 108.40। और इसके बाद कनेडियन डॉलर भी है जी, कीमतें खरीद है 81.25, कीमतें फरोख्त है 81.80। और इसी के साथ यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें शहर लाहौर की बात करेंगे। मेरा शहर लाहौर, मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है शाह आलम दरवाज़ा, और शाह आलम दरवाज़े की क्या इंपॉर्टेंस थी, किस तरह से ये बनाया गया, हिस्ट्री क्या थी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आमिर रज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है जी? आमिर भाई, शाह आलम दरवाज़ा इंपॉर्टेंस बताओ जी। मैं वहाँ का रहिशी हूँ। अच्छा, शाह आलम दरवाज़े के अंदर ही मेरा हमारा बल्कि आबाई घर है, तो इस दरवाजे के साथ जो उनसियत है तो आपका बचपन वहाँ पर गुजरा, सारी इसी गलियों में, शाह आलम की गलियों में ही गुजरा। और दरवाज़ा तो अब नहीं रहा, ये तो जब 1947 में आग लगाई गई, शाह आलम जलाई गई, उस वक्त ये दरवाज़ा भी मुनहदम हो गया, और उसके बाद किसी ने इसको बनाने की तरफ सोचा भी नहीं। कुछ अर्सा पहले वॉल सिटी अथॉरिटी ने ज़रूर कहा था कि वो तमाम दरवाज़े जो अब मौजूद नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनको दरवाज़ों को उनका मोनूमेंट ज़रूर बनाया जाएगा, बट वो अभी तक बना नहीं है। जब तक नहीं बना है उस वक्त हम सिर्फ शाह आलम दरवाज़े का नाम ले सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, लैंडमार्क भी नहीं है जहाँ पर कहीं कभी दरवाज़ा हुआ करता था, वो भी खत्म हो गया। वो भी ख़त्म हो गया, जगह मौजूद है, हमें पता है कि कहाँ पे दरवाज़ा था। वो जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे कि इस जगह पे दरवाज़ा था। बिल्कुल, जब हम पिछली दफ़ा हमने लोहारी दरवाजे की बात की थी तो उसी की सीध पर चलते चले आए तो मोती मंदिर आता था, जो कि गिरा दिया गया बाबरी मस्जिद के वाक़े के मौके पर। ये भी मंदिर बहुत तारीखी मंदिर था, वो इस हवाले से तारीखी था कि ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी नानी ने अपने दामाद मोतीलाल नेहरू के नाम पर वो मंदिर बनवाया था। अच्छा, लाहौर में। और उस मंदिर को चंद कब्ज़ा माफिया ने बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद कब्ज़ा करने के लिए पहले उसको गिराया और फिर उस पर दुकानें बना ली। आज वो चौक में मौजूद है, उसी के साथ ये दरवाज़ा हुआ करता था, इस दरवाज़े के बाहर था। इसमें एक मुसलमानों का बहुत ज़बरदस्त मोनूमेंट है इसी चौक के ऊपर, जहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब किसी ज़माने में मोती मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर मस्जिद शब्बर है। अच्छा, जो शाह आलम चौक में है, वो ये शाह आलम के अंदर तो नहीं है लेकिन शाह आलम चौक में है, और ये वो मस्जिद है जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब्बर में इमाम की खदालत वाले। ये वो मस्जिद है जो एक शब में बनाई, एक शब में बनाई गई थी। वो केस था जिसमें सिख और मुसलमानों का क्लेम था कि ये वो कहते थे हमारा गुरुद्वारा है, हम कहते हमारी मस्जिद है, तो एक रात में मुसलमानों ने वहाँ मस्जिद तमीर किया। सुबह मजिस्ट्रेट ने जब मुआयना किया तो वो मस्जिद थी, तो उसके बाद इस जगह पर हमेशा हमेशा के लिए मस्जिद बना दी गई। और वो मुसलमानों को एक रात में मस्जिद बनाने का जो वाक्य है वो इसी से मंसूब है, जिस पर इलामा इकबाल ने ये शेर भी, मैंने जिसका मिसरा सुनाया आपको, वो मौजूद है। इम्पोर्टेंस की अगर बात करती हैं तो
जिस तरह से मैं ये कहता होता हूँ कि पूरी दुनिया में चाइना मशहूर है चीज़ें बनाने में, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में शाल भी मशहूर है। यहाँ पर क्या नहीं बनता है और क्या नहीं मिलता है, और क्या नहीं मिलता है, तमाम मार्केट्स इसी में से होकर गुजरती हैं। तमाम जो कमर्शियल एरियाज हैं, जो अंदरूनी लाहौर के महंगे तरीन कमर्शियल एरियाज हैं, वो इसी जगह पर हैं। जिन कमर्शियल मार्केट्स की हम बात करते हैं, जिस कब्ज़ा ग्रुप की, कब्ज़ा माफिया की बात करते हैं, वो सब इसी जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सबकी नज़रें जो हैं वो खाली जगहों पर ललचाती थी, अब उन पर कब्जे हो चुके हैं। कोई जगह किसी ने छोड़ी नहीं शालमी के अंदर। और मैं आपको मज़े की बताऊं, इस वक्त भी पाकिस्तान में जो सबसे कीमती तरीन प्रॉपर्टी है वो शालमी की है, जिसमें एक मरले की कीमत भी 10 करोड़ से ज़्यादा जायद पे चली गई है। यानी एक मरले की जगह अगर आपके पास है तो 10-20 करोड़ पे मिलेगी। मतलब आप कैन नॉट एक्सपेक्ट वहाँ पर, अगर आप खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते, मतलब इसी के अंदर मुमकिन ही नहीं है। सुहा बाज़ार है, इसी के अंदर रंगमहल चौक है, इसी के अंदर मस्जिद एयाज शहीद है, जो कि महमूद एयाज वाला जो किस्सा है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए फिर इलामा इकबाल, महमूद एयाज, तो वो भी शालमी के अंदर ही है। रंगमहल स्कूल की एक अपनी जो फॉर्मर क्रिश्चन हाई स्कूल था, जिसको अब रंगमहल हाई स्कूल कहा जाता है, ये वही FC कॉलेज इन्होंने बनाया था, बाबा तनीम फॉर्मर उन्हीं का बनाया हुआ जी। ये स्कूल है जो आज भी मौजूद है। और क्या इसकी तरह इसके इसकी गलियां, इसके बाज़ार, इसके अंदर जो भी, मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊं कि जो जी। पाकिस्तान में सबसे कदीम इस्माइलियों का जो सेंटर है वो भी इसी दरवाज़े के अंदर मौजूद है, जो आज भी मौजूद है। और बहुत सारी और जगह जो हैं वो अगर देखा जाए तो शालमी, मैं समझता हूँ कि बाकी जितने दरवाजे हैं उसमें कमर्शियली जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा कीमती भी है। तो इसकी कमर्शियल वैल्यू जो है उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मस्जिद माइमोरा जो कि रंजीत सिंह ने, एक सिख हुक्मरान ने अपनी एक जो गाने वाली थी उनके फरमाइश पर एक मस्जिद बनाई थी, जो कि आज भी इसी शालमी दरवाजे के अंदर मस्जिद माइमोरा के नाम से मौजूद है। अच्छा, इस दरवाजे के इर्द-गिर्द मस्जिदें काफ़ी हैं, मस्जिद शबर, माइमोरा, अयाज शहीद मस्जिद। तो शालम जो है ये बेसिकली अब दरवाजे की हिस्ट्री तो पर तो हम गए ही नहीं कि ये बनाया क्यों गया था। तो ये लाहौर के दरवाजे थे, इसका पहले नाम कुछ और था, बट औरंगजेब आलमगीर जिनका ये लकब था शालम, उनके जो बेटे यहाँ पर गवर्नर थे उन्होंने अपने बाप के नाम पर इस दरवाजे का नाम रखा। इससे पहले इसको भाइयों वाला दरवाज़ा जो है वो भी कहा जाता था। और इसके अंदर ज़्यादातर दुकानें जो थी, मस्जिदों की बात करें तो इस दरवाजे के बिल्कुल जब हम अंदर एंटर होते हैं तो कुमारा वाली मस्जिद है। तो मैं ये बताना भूल गया कि जब मस्जिद शब्बर का जिक्र आया तो मस्जिद कुमारा वाली मस्जिद का भी जिक्र आना चाहिए था, जो कि बहुत कदीम मस्जिद है वे भी। और यहाँ पर सारे कुम्हारों की दुकानें और उनकी काम करने की जगह थी, जो कि अब ख़त्म हो गया। अब दो एक दुकानें रह गई हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन आपको मिलते हैं, अदरवाइज इस शालमी के अंदर ये भी काम बहुत था बर्तन बनाने का। उसके बाद तो बाकी बर्तन आने शुरू हो गए, तो अब भी बर्तनों की मार्केट्स तो मौजूद हैं, बट वो मट्टी के बर्तनों का जो काम था वो तकरीबन नापैद हो गया, बल्कि बनाने वाला काम तो ख़त्म हो गया। अब दो 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 एक दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर मट्टी के बर्तन मिलते हैं और प्लास्टिक के बर्तन मिलते हैं, वो दुकानें उस यादगार के तौर पर मौजूद हैं। वो आपने सही कहा कि मस्जिदें जो शालमी दरवाजे के साथ साथ काफ़ी हैं। अच्छा, लेकिन अब जो है वो जिस बाज़ार की आपने बात की, जिस शालम के इलाके की, शालमी इलाके की आपने बात की, वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर तो है, लेकिन उसकी तजावुजात और वहाँ पर जाना और गुजरना इस कदर मुहाल हो चुका है कि मुझे लगता है कि शायद वो उसकी इम्पोर्टेंस अब उस तरह से नहीं रही। नहीं सीमा, ये असल में ये गवर्नमेंट का कसूर है। थोक की ये मार्केट्स हैं और इन्होंने जो राहदारियाँ हैं उन पर भी बेसमेंट बनाई है। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर बेसमेंट इस हद तक खोदी जाती है जब जहाँ तक पानी निकलता है। जब पानी निकलता है तो पहला लेंटर वहाँ पर डाला जाता है, यानी इतनी गहरी खुदाई की जाती है। ये 3-3 मंजिल नीचे जो है जाकर बेसमेंट्स बनाए गए हैं। जगह बहुत कीमती है, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं ताजर वहाँ पे। और लोगों को गुजरने की भी अब रास्ता नहीं है, गाड़ी ले जाना तो बहुत दूर की बात है। और उसके ऊपर नजायज़ पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके दुकानदार चले जाते हैं और उसके बाद वो रोड्स जो हैं तकरीबन ब्लॉक्स रहती हैं। लेकिन क्योंकि बाहर से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर बाहर आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अंदरून शहर वालों को इससे तकलीफ भी बहुत है। जहाँ पर ये प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ, वहाँ पर जो इर्द गिर्द के लोग रहने वाले, जैसे सर्कुलर रोड है, इस शालम गेट की वजह से या शालम मार्केट्स की वजह से रात के वक्त आप वहाँ पर इतने ट्रक होते हैं कि आप
एक मोटरसाइकिल पर या पैदल भी वहाँ से नहीं गुजर सकते हैं, तो एम्बुलेंस का आना तो जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक दरवाज़ा अपनी इम्पोर्टेंस के हवाले से बहुत अहम है। एक और दरवाज़ा मैं भूल गया, एक मस्जिद भूल गया, और वो है सुनहरी मस्जिद, वो भी इसी दरवाजे अंदर है और बहुत कीमती मस्जिदें हो गई, मतलब बहुत सारी मस्जिदें जो तारीखी अहमियत की हामिल हैं मस्जिद वो हैं। शालम दरवाज़ा जो है, क्योंकि मेरा तो घर है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, तो मुझे तो इसकी एक एक गली एक एक गुजार, जब जब आप बात कर रही हैं तो मैं उसमें से गुजरता हुआ जा रहा हूँ, और मैं जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ वहाँ पर, अभी मैं कसेरा बाज़ार के अंदर था कि जहाँ पे सिर्फ बर्तन जो है। अच्छा, ये इतना लंबा टॉपिक है कि मैं इस पर मज़ीद ज़रूर बात करना चाहूँगी, और हम फिर बाज़ारों की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह से नहीं, लेकिन ये अगली दफ़ा के लिए उठा रखते हैं क्योंकि अभी मेरा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मुझे आपसे इजाज़त लेना है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी रुकन सूबाई असम्बली मौजूद हैं जिनका तीसरा चन्यूल है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो वाहिद नुमाइंदा हैं जो असम्बली में एस फीमेल मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए काफ़ी आवाज़ बुलंद करती हैं, बहादुर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत बोल्ड बात करती हैं और ठीक बात करती हैं। जब हक की बात करती हैं तो फिर ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद भी करती हैं। सोशल वर्कर भी हैं, फ़ायज़ा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आजकल तो आप अभी रिसेंटली फारिग हुई होंगी, बिजी चल रहा होगा बजट के हवाले से। बजट अभी कल ही इवेंट था बजट का, और मेरा ख्याल है कि बड़ा ख़ास इवेंट होता है अगर देखा जाए कि जो बजट है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोविंस के लिए। लेकिन अब हमारे यहाँ तो ये हो गया कि बजट अहमियत तो होती है उसकी, लेकिन जब वो पास हो जाता है या पेश हो जाता है तो उसके बाद उस पर अमल दरामद कम ही होता है। बिल्कुल सही। और अब तो ऐसे भी नजर आते हैं कि हर दूसरे महीने कीमतों का उतार चढ़ाव देखने में आ रहा होता है, बजट टैक्सेस लग रहे होते हैं, तो बजट तो फिर हर महीने ही आ रहा है। हमने परसों बजट पेश किया और परसों शाम को ही प्राइसेस जो है वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा, 2002 से 2007, फिर 8 से 13, और उसके बाद 13 से अब तक आप मुसलसल असम्बली का हिस्सा रही हैं, और आपने बहुत से साल हर साल बजट देखे हैं, तो क्या ये जिस तरह लोग बात करते हैं, मुख्तलिफ तज़िये भी आते हैं कि ये लफ्ज़ों का हेर फेर जो है वो किया जाता है, मैथमेटिक्स की एक गेम प्रेजेंट किया जाता है जो असल में उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, आवाम तक सम्राट नहीं पहुँचते हैं। इसमें जो एक पुरानी रिवायत थी वो तो ये थी कि इसमें सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं थी एम पी एस की पहले। अब थोड़ा सा चेंज हुआ वक्त के साथ कह लें या दुनिया का प्रेशर कह लें, कि अब असेंबली में इस पर डिबेट होती है, लेकिन अभी भी इसमें ज़रूरत इस बात की है कि वो डिबेट जो है वो प्रॉपर टाइम पे हो। मेरा ख़्याल है जो हमारे महकमे हैं उसमें मार्च के एंड, मतलब मार्च में मिड मार्च तक इस पे बजट के ऊपर काम हो जाता है, वो लोग अपना अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम को भेज देते हैं, और हमारे यहाँ अप्रैल के एंड में जाके प्री बजट सेशन जिसे हम कहते हैं वो कॉल होता है। अच्छा। तो मतलब उस वक्त जब एमपीएस जो हैं वो अपनी तजावीज़ देते हैं या एमएनएस अपनी तजावीज़ देते हैं तो उनका फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि बजट तो तैयार हो चुका है, बन चुका, जा चुका है सीएम के पास, तो मतलब वो तजावीज़ एडजस्ट ही नहीं होती और उनको एड्रेस ही नहीं किया जाता, तो वो फिर एक जो ये असेंबली है इसमें मैंने देखा कि एक डिप्रेशन 3 साल से, इस साल पहले 2 साल में लोगों को एक्साइटमेंट थी कि शायद ये प्रैक्टिस जो है उससे उनके इलाकों के मसाइल हल हो जाएं, और ये नहीं कि फ़र्क है कोई कि अपोजिशन या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अरकान ने भी पार्टिसिपेट किया उसी तरह जिस तरह अपोजिशन करती है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं निकला तो लोग डिसहार्ट हुए एमपीएस, और ज़ाहिर है उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो अब कम होनी शुरू होगी, उनका इंटरेस्ट लूज़ हो गया कि अगर हम मसाइल हल नहीं करा सकते हकूमत में रहते हुए भी तो फिर फायदा, हाँ, तो मतलब इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ऑपोजिशन के बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा सिर्फ प्रोटेस्ट के ऊपर जोर दिया जाता है, उसकी क्या रीजन है, मतलब ये पार्ट ऑफ इट? सो नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने जो हमारे पीछे हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी उसमें हमने 5 साल कोशिश की है ये कि एक ट्रेंड को चेंज किया जाए, एक लैंग्वेज को चेंज किया जाए, और एक जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है एग्रेशन का, क्योंकि आज हम जिस स्टेज पे पाकिस्तान खड़ा है हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की
मार कुटाई और मतलब झगड़े की और फसाद की जो हमारी सियासत है, क्योंकि हमें हर तरफ से देखना है कि पाकिस्तान को किस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है, फिर मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको अगर सामने रखें तो मेरा ख्याल है हमें अपने अंदाज़े सियासत को चेंज करना है। और आप ये देखें, यही वजह है कि हमने ये जो पहले 3 साल हैं ये हुकूमत को काम करने दिया। हमने असेंबलियों के अंदर बिल्कुल डेली इशू बेस के ऊपर, जो जब भी हमारे सेशन कॉल होते थे तो उसमें जो इश्यूज़ हैं आवाम के, उनको हमने हाईलाइट किया और असेंबली में हुकूमत की तवज्जो दिलाने की एक कोशिश ही होती है अपोजिशन की कि हम उनको बताएं कि ये मसाइल हैं और इन मसाइल का वो हल करें। तो 3 साल हमने करके देखा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ़ यही है कि हम एहतजाज करेंगे लेकिन असम्बलियों के अंदर, और जितने भी मामलात और मसाइल हैं उनको असेंबली के अंदर हल करने की। अगर अभी ये जो TORs पे बात हो रही है और जो TORs के लिए कमेटी भी बनाई गई है, अगर एहतजाज की कॉल तहरीके इंसाफ की तरफ से दी जाती है तो क्या पंजाब में भी? देखिए, अभी उनका इंडिविजुअल फैसला है, हालांकि देखा जाए तो इस वक्त जॉइंट अपोजिशन है और जॉइंट अपोजिशन जो भी फैसला करे वो इंडिविजुअल पोलिटिकल पार्टी का फैसला नहीं होना चाहिए। हम भी हालात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस वक्त बैठे हैं और नेशनल असेंबली में इस वक्त बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी अपोजिशन की, तो मशावरत से अगर चीज़ों को तय करेंगे तो हम मिलके हमारी जो कोशिश है वो कामयाब होगी। अगर मैं बात करूँ इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब तो 126 दिन के धरने का रिजल्ट नहीं ले सके, तो क्योंकि वो अकेले इस फाइट को कर रहे थे और पार्लियामेंट के अंदर जो फाइट है जब तक वो नहीं होगी बाहर की फाइट का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं बजट की और पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी की, इसको आप किस तरह से देखती हैं कि आवाम की फलाह के लिए कोई काम हो रहा है? देखिए, जाहिर है प्रोजेक्ट बहुत हैं और जिस तरह अभी बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स की गई, बेशुमार ऐलानात है, ऐलानात की हद तक अगर देखें तो एक मैंने बजट आने से एक दिन पहले भी एक सर्वे जो है वो मतलब एनालिसिस कह लें कि वो एनालिसिस किया था कि बजट 2015-16 जो है वो उसमें से जो सूबे का बजट था वो 400 अरब में से 172 अरब रुपया जो है वो बचा। वो क्यों बचा? उसकी वजह ये है कि आपने किसी भी महकमे के अंदर पूरे पैसे जो हैं वो खर्च नहीं किए, आधे भी नहीं किए, मतलब 8% 10% 25% ये आपकी एवरेज है। तो जब आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है, आप हुकूमत की प्रायोरिटी में मेट्रो बसें, ऑरेंज ट्रेनें, पुल हैं लाहौर के, मतलब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आते हैं और लोगों को पता चलता है कि जी बड़ी डेवलपमेंट, वो तो नज़र आ गया ना बजट में, तो मतलब जो में भी कमी कर दी, हेल्थ है, एजुकेशन है, आपने कहा हम दानिश स्कूल बना रहे हैं, अब दानिश स्कूल जो है वो फ्लॉप हो गए हैं, उसके लिए जो पैसा रखा गया था उसमें से आधा भी नहीं खर्च हुआ। तो जब ऐसी सूरत हाल है, आपने एनरोलमेंट की बात की, पिछले दिनों मेरी इस पर डिबेट थी पार्लियामेंट में पिछले सेशन में कि आप हमें एक तरफ बता रहे हैं कि हम एनरोलमेंट को बढ़ा रहे हैं और लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जबकि लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर 22 सरकारी स्कूल जो हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं कम हाजिरी की वजह से, कि बच्चे नहीं हैं वहाँ पे तो इस वजह से उनको मर्ज कर दिया दूसरे स्कूल। फिर आप प्राइवेटाइजेशन की बात भी करते हैं जो NGOs के हवाले किए जा रहे हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ, साफ पानी, सीवरेज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये आवाम की फलाह के लिए हैं, लेकिन हुकूमत का इस तरफ जो है वो झुकाव कम नज़र आता है। जैसे अभी बजट की हम वो पूरी तफसलात देख रहे थे तो उसमें एनर्जी में पैसे जो है वो अब कम रखे गए हैं, फंड्स, फ्लड रिलीफ, वेदर फोरकास्टिंग में 20% ज़्यादा बारिशें होंगी लेकिन फ्लड रिलीफ फंड जो है उसको कम कर दिया गया। इस पर मैं आपका ज़रूर कॉमेंट लेना चाहूँगी कि हुकूमत क्या सिर्फ बड़े बड़े मनसूबों पर तवज्जो देती है, तो फिर उस पर अपोजिशन का स्टांस क्या होता है ये जानेंगे। और दूसरी जानेब फिर मैं पीपल्स पार्टी की पोजिशन पर भी बात करना चाहूँगी कि लाहौर में क्यों ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है और पंजाब में उसकी उस तरह से अफोर्डिंग नहीं रही जहाँ जब एक ज़माने में हुआ करती थी। इस पर मैं ज़रूर जानूंगी कि क्या लाया अमल अपनाया जा रहा है। हमारे साथ रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से, जहां पर अभी रिसेंटली बजट भी पेश किया गया और वो उसकी क्या किस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया, क्या क्या फैक्टर्स निगर रखे गए वो
अगर एक साइड पर रखें, पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पंजाब में क्यों वीक होती हुई नज़र आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है वो उसकी उस तरह से फुटिंग्स नहीं है जो कभी एक दौर में हुआ करती थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। एक गैप ज़रूर आया था क़यादत की मौजूद ना होने की वजह से, लेकिन जब से, और अगर आप इलेक्शन के हवाले से बात करें तो वो सबके सामने अब हालात आ चुके हैं और सबको पता है कि एक बिल्कुल सेट पैटर्न जो है वो दिया गया था आरोस को कि ये इलाके और ये सूबे जो हैं इनके अंदर इस तरीके से पार्टियां जो हैं उनको इस तरह लाइन अप करना। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद से अब तक पीपल्स पार्टी तो मौजूद है। हाँ, जाहिर है कि पार्टियों के अंदर उतार चढ़ाव आता है और पीपल्स पार्टी के अंदर भी चूँकि हुकूमत में रहे जरदारी साहब पार्टी को टाइम नहीं दे सके और चेयरमैन अब बिलावल भुट्टो जो हैं वो उस वक्त बाहर थे और ये एक हमारा गैप ज़रूर आया क़यादत के साथ और उसकी वजह से एक वर्कर जो है वो ख़ास तौर पे कहूँगी कि हालात ऐसे थे पार्टी के कि शायद हम पार्टी को अगर तवज्जो देते तो हम मुल्क को उस तरीके से तवज्जो ना दे पाते और उन हालात से, उन क्राइसिस से ना निकल पाते। तो मतलब एक सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ती है। ये अगर बीबी भी होती तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जिस तरह के हालात थे और मुल्क के अंदर जो हालात थे उनमें से बीबी ज़ाहिर है मुल्क को चुनती। पार्टी तो हमारी कहीं नहीं गई, हमारे वर्कर वहीं मौजूद हैं। इसका मतलब दोबारा कमबैक होगा? बिल्कुल हो चुका है कमबैक और वर्कर्स को इंटैक्ट करने के लिए उनसे रबते दोबारा पार्टी ने शुरू किए हुए हैं और आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो सियासत का रुझान है वो चेंज हो भी चुका है और मजीद भी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, वैसे तो बहुत सी हैं लेकिन पॉलिटिक्स भी है जहाँ पर स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी है और ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। सो आपके लिए कितना मुश्किल है वहाँ पर स्टैंड लेकर उस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना जहाँ पर मर्द हैं, जहाँ पर उनकी जैसी सोच है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान करना? 2002 से जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा एकदम से तादाद असम्बलियों में मुशर्रफ ने ला के बिठा दी थी और मेरा ख़्याल है कि वो बिल्कुल गैर मतवक्को तौर पे ख़वातीन असम्बलियों में आई थी और मर्दों को चूँकि एक माइंडसेट हमारा चला आ रहा था तो वो हज़म नहीं कर पा रहे थे कि हमारे इर्द गिर्द इतनी ख़वातीन है और फिर उनमें से एक साल जो पहला साल था उसके बाद हमारी जैसी ख़वातीन जो हैं उन्होंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इसी तरह ट्रेडी जो है उधर से भी ख़वातीन जो है उन्होंने शुरू किया तो वो गैर मतवक्को हमला था शायद मर्दों की माशरे के ऊपर कि ख़वातीन हमारे शाना बशाना आके खड़ी हो गई और हमारे साथ डिबेट में पार्टिसिपेट करती। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट चेंज हो रहा है, ना सिर्फ असम्बलियों में बल्कि आप बाहर भी देखें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, फील्ड्स में बच्चियां हमारी ज़्यादा बेहतर प्रूव कर रही हैं अपने आप को, पढ़ाई में भी, फील्ड्स में भी कारकर्दगी उनकी ज़्यादा अच्छी है मर्दों की निस्बत, तो अब मानने पे मजबूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो नाग है वो निकल आता है। और अगर कोई बिल प्रपोज किया जा रहा हो असेंबली में, सो अगर आपकी कोई राय हो या आपके साथ जो साथी मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो फीमेल MPs हैं, क्या सुना जाता है उनको, सजेशन मांगी? हाँ बिल्कुल, जो सीरियस ख़वातीन हैं उनको असेंबली में स्पीकर साहब बहुत मौका भी देते हैं और उनको बिल्कुल इजाज़त होती है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की भी, लेजिस्लेशन के हवाले से भी अगर वो सीरियस इश्यूज को सामने लाती हैं तो उनको मौका ज़रूर देते हैं स्पीकर। लेकिन ज़ाहिर है कि मिला जुला रद्द अमल होता है और मैं कहूँगी कि हमारे स्पीकर साहब बाकी स्पीकर्स की निस्बत उनका रवैया ख़वातीन की तरफ बेहतर है और उन्होंने हमेशा गाइड भी किया, रहनुमाई भी फरमाई और बहुत सारे इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कई दफ़ा जो जिस वक्त उनको ज़रा थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें और बहसियत अपोजिशन मेंबर में देखूं अगर तो मुझे बहुत ज़्यादा बात करने का मौका मिलता है और ट्रेडी को तो ज़ाहिर है मिलता ही मिलता है। लेकिन यह कि अगर मैं जिस तरह से मैं एक्टिविटी मेरी होता है, बिजनेस होता है असेंबली में तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि मैं अपना मौका जो है भरपूर जो है वो मौका फराहम किया जाता है। अभी रिसेंटली जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए
ये जो बिल है ना, बिल बेशक हमने इसको सपोर्ट किया, और सपोर्ट इसलिए किया कि पंजाब असेंबली में 2002 से ये असेंबली काम कर रही है, लेकिन ख्वातीन के लिए जो एक सही कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी जी। और हमारी ख्वाहिश थी कि पंजाब असेंबली से भी वेमेन इश्यूज़ के ऊपर कानून साजी सही तरीके से हो। 2012 में मैंने ये बिल जमा कराया था डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से। अच्छा। और मेरा जो बिल था वो टोटली इस बिल से फ़र्क था। ये वेमेन प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन मेरा बिल जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल था। उसमें ख़वातीन के साथ बच्चे, बुज़ुर्ग घरों के जिनके ऊपर उनके बच्चे तशद्दुद करते हैं, वो फिर घरों में जो बच्चे काम करते हैं वो उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है उसको भी मैंने उसमें रखा था सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चों को काम पर रखा जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि उसके ऊपर काम होता, और असेंबली का ज़ाहिर है ये पंजाब असेंबली के सर से रह जाता कि एज अ प्राइवेट मेंबर भी बिल आया और हुकूमत ने उसको कंसिडर किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत सारे सिरे अपने सर रखना चाहती थी, फिर भी हमने इसको सपोर्ट किया। और हमारी अभी भी ख्वाहिश है कि हुकूमत, जैसे अभी आपने बजट में देखा कि जो क्राइसिस सेंटर बन रहे थे, प्रोटेक्शन सेंटर जी, उनके लिए कोई फंड एलोकेट नहीं किया गया। बिल्कुल सही, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो नज़र भी आ जाता है कि कहाँ पर वो पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है और कहाँ पर आवाम की फलाह को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है। वेल थैंक यू सो मच फायजा जी, आप तशरीफ़ लाएँ, टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। गुड लक फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप आवाम के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पर जब आवाज़ बुलंद करती हैं तो अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी दे, और इसी तरह से आप अपना काम कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।